गाइस दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश रणा चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है। गाइस मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर नाउन। आज हम प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, किस टाइप के ये प्रॉपर नाउन होते हैं, कहे जाते हैं, एक एक चीज को आज हम क्लियर करेंगे। गाइज ये नाउन सीरीज का वीडियो लेक्चर नंबर 2 है, ध्यान से इसको देखना है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ये पहले ही आप जान चुके हैं। प्रॉपर नाउन क्या है, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, डे, मंथ, डायरेक्शन, लैंग्वेज, फेस्टिवल, न्यूज़पेपर, रिवर, लेक, ओशन, माउंटेन, पीक, हिस्टोरिकल बिल्डिंग और सेलेस्टियल बॉडी। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, दिन, महीना, दिशा, भाषा, समाचार पत्र, नदी, झील, महासागर, पहाड़, छोटी ऐतिहासिक मकान या आकाशीय पिंड आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, दिन, महीना, झील, झरना, पर्व, त्योहार, समाचार पत्र आदि के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे राम, राम ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि यह व्यक्ति का नाम है। राम एक लड़का है, लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो, ये सभी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। स्त्री का नाम हो या पुरुष का नाम हो, सब के सब प्रॉपर नाउन होते हैं। राम यह प्रॉपर नाउन है क्योंकि यह व्यक्ति का नाम है। व्यक्तियों के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। टीना, टीना एक स्त्री है यानी एक व्यक्ति का नाम है। टीना एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, यह प्रॉपर नाउन है। अयांश, अयांश कौन सा नाउन है, यह प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह व्यक्ति का नाम है। पूजा, पूजा प्रॉपर नाउन है क्योंकि यह व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जानवरों के नाम, जो खास जानवर होते हैं उनके नाम को भी प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे चेतक, चेतक ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था जो बहुत ही इंटेलिजेंट था। चेतक जो है यह प्रॉपर नाउन है क्योंकि यह जानवर का नाम है। मोती, यह एनिमल का नाम है, मोती जो है प्रॉपर नाउन है। टॉम ये प्रॉपर नाउन है, पोसे ये प्रॉपर नाउन है, जानवरों के नाम को भी हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। स्थानों के नाम, जैसे इंडिया, इंडिया क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कैसे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इंडिया एक स्थान है और स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जितने भी देश के नाम है, जितने भी महादेश के नाम है, जितने भी गांव है, शहर है, ये सब स्थान के अंतर्गत आते हैं। इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया नाउन है, नाउन में यह प्रॉपर नाउन है क्योंकि यह एक स्थान है और स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। दिल्ली, जिसको हम दिल्ली लिखते हैं, यह प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक स्थान है। पटना, पटना एक जगह है, एक स्थान है और स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। पटना जो है यह प्रॉपर नाउन है क्योंकि यह एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है। अमेरिका, अमेरिका जो है प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। वस्तु का नाम, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ है, उनके नामों को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे रामायण है, ये हमारे पवित्र ग्रंथ है, महाकाव्य है, गीता है, बाइबिल है, ये सभी जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, पुस्तकें होती है, ये सब के सब प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। दिन का नाम, जैसे संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे, जितने भी दिन के नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। संडे क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कैसे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि संडे एक दिन का नाम है, एक डे का नाम है और दिन के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। फ्राइडे क्या है, नाउन है, नाउन में कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है क्योंकि यह एक दिन का नाम है। महीना का नाम, महीना के नाम को भी प्रॉपर नाउन कहा जाता है, जैसे जनवरी, फरवरी, जून, मई, अप्रैल, मई, ये सब के सब प्रॉपर नाउन है। महीना के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जनवरी क्या है,
यह नाउन है, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक महीना का नाम है, एक मंथ का नाम है दिसंबर। यह कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक महीना का नाम है, महीना के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। दिशा का नाम, डायरेक्शन का नाम, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। ईस्ट क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ईस्ट प्रॉपर नाउन कैसे है? क्योंकि यह एक दिशा का नाम है। ईस्ट का मतलब होता है पूरब, यह एक दिशा है और दिशा के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। वेस्ट माने पश्चिम, दिशा का नाम है, प्रॉपर नाउन है। नॉर्थ माने उत्तर, दिशा का नाम है, प्रॉपर नाउन है। साउथ माने दक्षिण, यह एक दिशा का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। भाषा का नाम, इस संसार में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, भाषाएं हैं, उनके नामों को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे हिंदी, हिंदी क्या है? एक लैंग्वेज का नाम, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के नाम को, भाषा के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। हिंदी क्या है? प्रॉपर नाउन है। कैसे प्रॉपर नाउन है? क्योंकि एक भाषा का नाम, एक लैंग्वेज का नाम है। इंग्लिश क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यह एक भाषा का नाम, एक लैंग्वेज का नाम है। संस्कृत, उर्दू, जो भी लैंग्वेज इस दुनिया के सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। त्योहार का नाम यानी फेस्टिवल, यानी पर्व का नाम जो होता है, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे होली, दीपावली, ईद, ये सब के सब प्रॉपर नाउन है। होली कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। कैसे प्रॉपर नाउन है? क्योंकि यह एक त्योहार का नाम है, एक पर्व का नाम है, इसीलिए यह प्रॉपर नाउन है। दीपावली, दीपावली कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। कैसे प्रॉपर नाउन है? क्योंकि एक त्योहार का नाम है, क्योंकि यह एक पर्व का नाम है। समाचार पत्रों का नाम, समाचार पत्रों के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे द इंडिया टुडे है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, ये सभी न्यूज़पेपर के नेम है। समाचार पत्रों के नामों को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। नदियों के नामों को, जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ब्रह्मपुत्रा है, कावेरी है, पुनपुन है, कोसी है, इस संसार की जितनी भी नदियां हैं, वे सब के सब, उनके नामों को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। वे सब के सब प्रॉपर नाउन है। महासागरों के नाम, झीलों के नाम, जैसे चिल्का क्या एक झील का नाम है, झीलों के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। महासागरों के नाम, जैसे द इंडियन ओशन, एक महासागर का नाम है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन है। पर्वतों के नाम, पहाड़ों के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे द हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम है, एक पहाड़ का नाम है, पहाड़ों के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। चोटियों के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम है, इसीलिए यह प्रॉपर नाउन है। ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे लाल किला है, रेड फोर्ट है, गोलघर है, ताजमहल है, गेटवे ऑफ इंडिया है, जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जो ऐतिहासिक मकाने हैं, इमारतें हैं, उनको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी, आकाशीय पिंड को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे सन, सन माने सूरज, आकाशीय पिंड माने क्या? जो गगन में, जो आकाश में, जो अंतरिक्ष में दिखाई देता है, विद्यमान है, उन्हें आकाशीय पिंड कहा जाता है। सन माने सूरज, यह आकाशीय पिंड है, इसीलिए यह प्रॉपर नाउन है। मून माने चंद्रमा, यह एक आकाशीय पिंड है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन है। गाइस, प्रॉपर नाउन का जो विस्तार है, पूरा लंबा चौड़ा है, बार बार इसको पढ़ना है, देखना है, नोट्स बनाना है, ऑटोमेटिक एक दिन ये हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, आप इस पर अधिकार कर लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि यह भारत के हर बच्चे बच्चे के पास पहुंचे, और बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके, और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।